बहराइच के ब्लॉक विशेषर के अंतर्गत ग्राम सभा पुरैना बाजार में, जहां पर आज प्रकृति की मार किसानों के ऊपर पड़ी है, जो आप हमारे सामने देख रहे होंगे पीछे लाही के खेत में इस समय जो प्रकृति की मार दिया है, पत्थर ओले गिरे हैं, उससे सरसों की फसल किस तरह नष्ट हो गई है वो आप देख रहे होंगे। कुछ किसानों से हम बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि प्रकृति ने उनको इतना बड़ा जो दर्द दिया है, उस दर्द को कैसे वो बर्दाश्त कर पा रहे हैं, कैसे क्या पूरा मामला है, आइए कुछ बात करते हैं। दादा बताइए, आपकी कितनी फसल नुकसान हुई है? 10 बीघे लाही। तो लाही में लगभग कितनी आपने औसतन लागत लगाई हुई? अच्छा, आपकी लाही में नुकसान हो गया? हाँ, कुछ नहीं साहब। तो ओले कितने बड़े बड़े पड़े? अच्छा, बहुत बेबेर साहब, बहुत बेबेर। मतलब आप बताइए, क्या लाही की फसल में क्या नुकसान हो रहा है? लाही पूरा कट गया है, पर अच्छा, मतलब पूरे की लाही एकदम खत्म हो गई। तो लाही की फसल ही खराब हो या कुछ और? गेहूँ भी खत्म हो गया है, आलू का नुकसान है, हर फसल। अच्छा, जैसा कि अभी किसान बता रहे हैं कि लाही की फसल भी नुकसान हो गई है, और आलू है और गेहूं की फसल काफ़ी हद तक नुकसान हो गई है। अभी हमारे सामने आपने देखा होगा कि यहाँ सरसों की फसल एकदम से बिल्कुल कट के नष्ट हो चुकी है। बाजार के दूसरे खेत में आ गए हैं, जहाँ पे हमारे सामने पीछे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से किसानी बर्बाद हुई है। अभी मूली भी लगा हुआ है, बगल में गोभी की भी है, आलू है, आलू का लगा हुआ है, लेकिन सारे के सारे फसल जो है ये ओलावृष्टि से बर्बाद हो चुके हैं। हुई है ओलावृष्टि से, आपको दिखाना चाहेंगे कि रात 10 बजे जहाँ ओलावृष्टि हुई है, वो ओले इतने गजब के ओले पड़े हैं कि आप देखिए सामने हमारे, अभी भी देखिए, इस समय 1 बज रहा है, दिन के करीब 1 बज रहे हैं। अभी उधर तो देखिए पत्थर जो लिए हैं, आपको देखना चाहेंगे जो अभी भी इसमें पत्थर अभी भी नाली में पड़े हुए हैं, देख किस तरह पड़े हुए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े और कितने ज़्यादा मात्रा में पत्थर गिरे हैं। बात करते हैं प्याज की, तो प्याज जहाँ इस समय प्रदेश में 100 के पार जा रहा है, वहीं पर आपको हम दिखाएंगे, हमारे पीछे देख लीजिए, ये प्याज के लिए पौध तैयार किए गए थे, किसान ने जो पौध तैयार किया प्याज का कि हम इससे प्याज पैदा करेंगे, उसके बाद अच्छी मुनाफा भी कमाएंगे, लेकिन प्रकृति के मार ने देख लीजिए हमारे सामने प्याज के बियाड़ खत्म, एकदम से ख़त्म हो गए हैं। प्याज के पौध जो इतने नाजुक होते हैं, वो आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही नाजुक पौध होता है प्याज का, और एक किसान से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। अच्छा, आप बताइए, किसान हैं आप, प्याज के अगर पौधा तैयार किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? साहब, 1000 रुपये किलो बिया लेके आए बोए थे, और साहब इसमें बहुत भर्ती लगाए थे, साहब चला गया, अब क्या करूँ, इतने देर क्या कर सकता है। और ये जो पानी सामने दिख रहा है, ये पत्थर का पानी है सर, पूरा खंती से इतना पत्थर गिरा कि पूरा पानी से भरा था, ये पूरा पूरा पानी भरा था साहब, पूरा खंती जो पानी सामने दिख रहा है, ये पूरा पत्थर से पूरा पानी भरा था, पत्थर ही गल के पानी बना, इतना पत्थर गिरा हुआ सामने। अभी किसान ने हमको बताया कि जो ये आपको खंती में पानी दिख रहा है गड्ढे में, ये पानी पत्थर के गल जाने से पानी हुआ है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्थरों की मार किस तरह हुई और किस तरह ओलावृष्टि हुई है। HMTV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रोहिणी मिश्रा के साथ संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।